बताओ, एक मिनट एक मिनट, आपने कहा कि आप मायावती को मतलब पसंद करते हैं, अगर मायावती, आपको लगता है मायावती ने अच्छा काम किया था? आप बता रहे हैं कि मायावती ने अच्छा काम किया था। मायावती ने काम ये अच्छा किया था, वो गरीबों के पक्ष में बहुत रहती थी। अगर अच्छा काम किया था और गरीबों के पक्ष में काम करती तो सत्ता से कैसे जा सकती थी वो? अब ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हटाने वाली भी तो जनता ही थी ना उन्हें। जनता अखिलेश जी आए, वही बात है, इधर का उधर हो ही जाता। तो क्या अच्छा काम किया था? बस मतलब गरीबों का ध्यान रखा था। हाँ। तो गरीबों का ध्यान तो बीजेपी सरकार भी रख रही है, ये नहीं रख रही, राशन बांट रही है फ्री में, राशन बांट रही है फ्री में। अब मैं आपसे बताऊं, राशन दिया उसने, आप अब आपने बोला कि राशन बांट रही है, पैसे बांट रही है, ठीक है, हमने सुबह से लेकर के 8 घंटा राशन के नंबर में लगा पड़ा रहा, लेकिन जब हमको राशन मिला तो जानते हो कितना मिला? 6 आई कार्ड पे हमको राशन कितना मिला? 4 किलो चावल और 3 किलो गेहूं। ये बताइए हमारे 9 परिवार कैसे खाएगा उसको? साला उससे ज़्यादा तो मैं काम करके अगर जाता खरीदता तो अभी कम से कम 20 किलो उठा लेता हम। तभी तो आपसे आपकी ये जो बीजेपी की बोल रहा हूँ, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो सरकार से शिकायतें हैं, वही तो जानने के लिए हम निकले हैं, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। हाँ यही बात है। अब देखो मायावती या आपको क्या लगता है, मतलब जो ये फ्री में जो राशन बांटा जा रहा है, हाँ, उससे घर परिवार नहीं चल सकता? नहीं चल सकता, और किसी किसी तो बहुत चल रहा है, किसी को 40 फ्री में राशन बांटने से वोट नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा, विकास की विकास होना चाहिए। हम सर यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी है 12,000 रुपये, हमारी नॉर्मली खर्च फैमिली वालों के लेके 12,000 खर्च आते हैं, और हम अगर ओवर टाइम भी लगाते हैं तो 15,000 का बनता है। राशन को हम देते हैं 4,000 रुपये, किराया देते हैं 3,500 रुपये, और सब्जी को देते हैं, मान लीजिए सब्जी को मिला के, दाल सब्जी मिला के, तो 2-3 हज़ार रुपये निकल जाते हैं, हमारी सैलरी तो उसी में ख़त्म हो जाती है। हम बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? देखिए ये तो एक अलग बात है कि मतलब तो मैं अगर बात करूं आपकी 12,000 तनख्वाह है, तो 12,000 तनख्वाह तो देखिए हर जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है, जिस हिसाब से इंसान सक्षम होता है, उस हिसाब से होती है ना। तो मगर सिर्फ इतना बताओ कि पहले पहले जो तेल था या अगर राशन पानी था, महंगाई हो गई है, इस बार ये असर डालेगा चुनाव पे? मुझे लग रहा है ये आएंगे तो और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मोदी जी अगर आ गए और एक भी जी आ गए तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश और किसकी टक्कर? मायावती की, अखिलेश की टक्कर है। अखिलेश की कैसे? अखिलेश अखिलेश ने भी अच्छा काम किया, 5 साल के अंदर अच्छा काम किया, जितना भी उसको मतलब दिया गया था काम, उतना बहुत बढ़िया काम किया था। और उससे पहले जो राजनीति मायावती थी उस टाइम पे, मायावती ने बहुत अच्छा विकास दिया, गरीबों को ऊपर लाई। और ये तो बताइए अखिलेश ने क्या अच्छा काम किया था, क्या लगता है? अखिलेश ने जितना उसने वादे किए थे पब्लिक से की, क्या मतलब लैपटॉप बांटना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, और लैपटॉप तो इस बार बीजेपी भी बांट रही है। ये तो सिर्फ है ना दिखावटी है, इसने तो पब्लिक से है ना जेब, जितने पब्लिक से जेब से पैसा है ना वो खींच लिया था हमने, पब्लिक को एकदम गरीब पे ले आई है। और इसने ये कह रही कि 2 साल तो हमारे कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में निकल गए। ये ठाकुरों को ज्यादा देख रहा है योगी, ये विकास नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो अब है राशन भी है ना 3 महीने पे, जब इसके फटने आए जब दिया है इसने राशन। और अखिलेश की सरकार में, माया की सरकार में, उसकी योजना जो भी है ना, योजना बनाई है वो शुरू से लास्ट तक हारने तक उसकी योजना पूरी पब्लिक ने, मतलब ये बताओ कि ये जो लैपटॉप तो बीजेपी भी बांट रही है, आप कह रहे हो कि ये तो दिखावटी है, बीजेपी तो मतलब क्या झूठ, मतलब बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ बोल के चुनाव लड़ती है? आइसक्रीम मिलती जरूर है मगर वो पिघल जाती है, वो होटल तक नहीं जाती है। इसकी भी जो विकास है, जो मतलब ये जो बांट रही है राशन वासन, ये पब्लिक तक पहुँच ही रहा है राशन डिग्री के, जितना पीछे से उसने लागू किया है। बगैर पढ़ाई का जब हमारे हाई स्कूल का मार्कशीट मिल जाएगा तो हम लैपटॉप कैसे चला सकते हैं? अखिलेश यादव ने अभी एक बयान भी दिया था कि बाबा को तो खुद लैपटॉप और टैबलेट चलाना नहीं आता तो वो क्या ही बांटेंगे। आप क्या कहना चाहते भाई साहब? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हमारे सर हैं, इनसे बात कीजिए। आप कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, मैं आप भी तो मतलब वोट तो देते ही होंगे। वोट तो हम देते हैं, बट ये जो बार बार सरकार इन्हीं की बन रही है, इस पर मुझे ऐतराज है। सरकार चेंज होती रहेगी। देखो अगर हम बार बार सरकार हमारी बन रही है तो हम अपने मनमर्जी की करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा राज है। लेकिन सरकार चेंजिंग होनी ज़रूरी है, अपोजिट होना किसी ना किसी का। विपक्ष तो मजबूत है वैसे भी, इस बार तो लग रहा है कि विपक्ष बहुत बहुत अच्छा खासा मजबूत हो रहा है इस बार। आप सरकार के बारे में कह रहे हो, कहने का मतलब सरकार किसी की भी आए, बीजेपी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन इस बार जो है कुछ चेंजिंग हो,
सरकार अखिलेश किया है या मायावती किया है या किसी और किया है, मैं ये नहीं कह रहा इसी है, मोदी जी की। अच्छा, चेंज होने से क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? चेंज होने से बहुत कुछ अलग होगा। ऐसे कि क्या? जैसे कि आपका माइंड कुछ और चल रहा है, चार आदमी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग दिमाग है सबका, ठीक है, हम तुम्हारे सपोर्ट में, चार भैया इनके पीछे हैं तो ये अलग दिमाग चला रहे हैं अपना कि यार यहाँ पे ये नहीं होता, ये होना ज़रूरी है। अच्छा बताइए, इस बार भी क्या जो चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, इस बार का भी जो चुनाव है क्या हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा लेकिन ये तो क्या है, अब तो पब्लिक सुधर, ये तो देश को भड़काना हो गया आपस में कि हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू के लिए मर रहा है, ये मुसलमान के लिए मर रहा है, ये अलग मुद्दा, मुस्लिम का मुद्दा उसका मतलब नहीं है। हमें कहने का मतलब ये, सरकार चेंज होनी चाहिए। क्या कहते हैं, हम बहुत लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पिछली सरकार में मैं आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी बात करता हूँ, पिछली सरकार में काम जो होते थे वो लटके रहते थे, काफी सालों तक आगे बढ़ते ही नहीं थे काम, मगर हमारी सरकार ने जितनी तेजी से काम, जो अखिलेश जी थे, जैसे कि हमारी सरकार है, मैं अखिलेश ही हूँ मान लो एक किस्म का, मैंने रोड बनवा दिए, ठीक है, इनका उद्घाटन नहीं हुआ, अब तुम हो मोदी जी, अब तुम्हारी सरकार आ गई, तुमने उद्घाटन कर दिया, नाम तुम्हारे चल गया, अब तुम काम कर रहे हो मोदी जी, तुम काम कर रहे हो, अब कुछ समय बाद मेरी सरकार आ जाती है तो उसका उद्घाटन मैंने करा दिया, ऐसा हो रहा। तो उसके अलावा और कुछ नया कुछ नहीं किया बीजेपी ने? नहीं, नया हो रहा है, और कहने का मतलब नया हो रहा है और होता ही रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार चेंज होनी चाहिए। आप भाई साहब कह रहे थे कि हाँ राम की मंदिर, मंदिर खाना नहीं देगा, पेट नहीं भरेगा, रोटी नहीं देगा। पहले हिंदुओं के दिमाग में ये बात थी कि चलो मेरा मंदिर बन जाएगा जो है, तो हम बीजेपी का, उनका मेन मुद्दा यही होता था बीजेपी का, आज से 10 साल का, 20 साल 25 साल पुराना पहला इनका मुद्दा यही था, अब तो मंदिर का फैसला हो गया है। अच्छा, हिंदुओं के भी समझ में आएगा, जो हिंदू ब्रादर के लोग थे, चलो जय श्री राम मंदिर के नाम पर वोट दे देते थे, लेकिन अब वो मुद्दा हट गया है। और बदलाव, सबसे पहली बात तो योगी की सरकार जो है सबसे बेकार काम ये किया, जो गाय महज छोड़ रखा गांव में, किसानों का फसल सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसमें इसका कोई देखभाल नहीं है, खाली उन्होंने आश्रम, मतलब उसके लिए वो गौशाला भी बना दिया है, तो साले उसमें भी लोग कमाई कर रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा, ना उनकी देखभाल, छोड़ दिया, उनका नुकसान हो रहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि योगी की सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश की सरकार बनना चाहिए मेरे हिसाब से। योगी जी कहते, योगी सरकार कहती, बीजेपी सरकार कहती कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, स्मार्ट सिटी बंद हो गया, ये कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई, मेरे को बताओ ना कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है। बीजेपी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कह रहे हो खत्म कहाँ हुआ है, ये कम गुंडागर्दी है, मतलब बीजेपी सरकार हो सकता, हम बोल रहे हैं बीजेपी, अच्छा, सकता हम सही बोल रहे हैं और बीजेपी सुनेगी और हमें जेल डाल देगी, ये कहीं का गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, ये तो और ज्यादा कर रहे हैं गुंडागर्दी। जब आपको पता है कि इतना मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं फिर भी बेझिझक बोले जा रहे हैं आप तो? नहीं, बेझिझक मैं बोलूँ क्यों नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं बोलूंगा, मुझे बोलने का हक है पूरा। आपको बोलने का हक है, आप अवैसई के बारे में बोले थे कि 100 सीटों पे अवैसई लड़ रहे हैं, तो अवैसई को भी जो है बीजेपी ही लड़ा रही है। अब आम जनता मुस्लिम ये समझ चुकी है कि अवैसई को वोट देना बेकार है। चलिए ठीक है, ओवैसी की बात हुई, ओवैसी भी काफी अच्छा मतलब सुनने में आ रहा है, अगर मैं इधर रामपुर और, हाँ मैं समझ रहा हूँ मुस्लिम एरिया में अगर वो लड़ते हैं, लेकिन वो बीजेपी से मिले हुए हैं वोट, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो न्यूज पे भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम भाइयों से कि ओवैसी को वोट ना दें, अखिलेश को दें, ये बीजेपी से मिला हुआ आदमी है ये। अच्छा, मैं सिर्फ, मेरे को इतना बताइए क्या लग रहा है, मतलब रुख इस बार बदलने वाला है? रुख बदलने वाला क्या, अखिलेश का जो है 85% चांस आया है इस बार, 85% चांस मैं बता रहा हूँ, 100%। लोग जो असल में, जो लोग बीजेपी से, अगर आपको क्या लगता है कि लोग किस वजह से ज़्यादा परेशान है? बीजेपी मतलब महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है ना, और काम है नहीं। बीजेपी की सरकार आने से केंद्र में, मैं जब भी देखा हूँ ये स्पोर्ट लाइन से जो जुड़े हुए मेरे बंदे होते हैं ना, इनका तो सत्यानाश हो जाता है, चाहे जब भी बीजेपी आई है। इससे पहले अटल बिहारी भी 5 साल रह के गए हैं ना, स्पोर्ट लाइन का काम तो एकदम ही बेकार हो जाता है, और महंगाई इतनी बढ़ जाती है जरूरत से ज़्यादा। अभी यही कांग्रेस की सरकार होती ना तो ये लोग हल्ला काटने लगते हैं, इतनी बढ़ गई, सिलेंडर का दाम कितना था, 400-500 रुपये था, आज 1000 रुपये सिलेंडर का दाम हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार बनाने से फ़ायदा क्या, हमको बताओ ना।
सर सिलेंडर फ्री में भी तो बांटे, सिलेंडर बांटे फ्री में उससे ज्यादा तो ले लिया, सब्सिडी दे आ रहा है तो रही है, सब्सिडी दोबारा से आ रही है, बोल रहे हैं कि बात नहीं आ रही भाई, कई सालों से सब्सिडी नहीं आई है, दोबारा अभी प्रोसेस में है सब्सिडी, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सिडी दोबारा शुरू करने वाले दोबारा। इससे पहले इन्होंने जो राशन बांटने का ये 3 महीने का अलाउ किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? उन्हें पता कि अब इलेक्शन होने वाला है यूपी में, तो हमने 3 महीने के लिए राशन फ्री कर दिया, पब्लिक हमारी तरफ आ जाएगी, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। और राशन में तो कहूँगा जनता से राशन 3 महीना लेके और फिर भी अखिलेश जी को वोट दे हो, बीजेपी से राशन लेके जो बीजेपी बांट रही फिर भी अखिलेश जी को वोट दे हो, जो राशन ले लो यहाँ से और वोट दे दो वहाँ पे, दो अखिलेश को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत काफ़ी देर बाद।